उसको बिल वापस लेने चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। जमीन खोल दी है मोदी सरकार, इसकी दो चार साल की सरकार रह रही है, फिर कुर्सी से इसको गेट अवे कर देंगे हम। मोदी जी हमारे 41 जवान जहाँ शहीद हो गए, हमारे ब्राह, हमारे बुजुर्ग, हमारी यहाँ बहना, एक उनके लिए शब्द नहीं बोला। हमारे को बिल्कुल भिखारी बना के छोड़ना चाह गए, प्रधानमंत्री बनाया था शिवजी भगवान को, नहीं हो। कहाँ से आया तुसी? पंजाब से। पंजाब से कितने दिनों से यहाँ पे हो? हम 25 तरीके से आया जी। आप क्या कहोगे जिस तरीके से लगातार इस कड़ाके की ठंड में आप लोग 31 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हो, 41 किसान भाई की मौत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सरकार नहीं सुन रही है, सरकार कह रही है कि आप लोगों को गुमराह किया गया है। ये सरकार के लिए बहुत बुरी बात है, उसको किसानों की सुननी चाहिए। 24-25 किसानों की मौत हो चुकी है जी, वो भी ठंड में, बुजुर्ग पड़ते हैं ठंड में, बहुत औखा है, मौसम भी खराब हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। उसको बिल वापस लेने चाहिए, किसानों की बात सुननी चाहिए। क्या सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पे खाने का व्यवस्था किया गया या आप ही लोग करते हो? हाँ जी, आप ही लोग करते हैं। सरकार कोई हेल्प नहीं कर रही? ना, नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रही। खाने पीने का कुछ हेल्प ना जी? ना, हम अपना लेके मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही। ना, कौन नहीं देते? मोदी सरकार ने जमीन खोल दी है मोदी सरकार। भाई तू अपना इस्तीफा दे दे, वो कर दे, यो कर दे, भाई तेरा इस्तीफा तेरे पास रहेगा, हमने कौन सा इस्तीफा? जो बेकार आदमी है नहीं, वो आज भी गंदा है और बाद में भी गंदा रहेगा, इसलिए हमारे को उसका इस्तीफा की कोई जरूरत नहीं है। आप अगली बात और सुन ले, यो मोदी ने जो योजना चलाई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, वह योजना का पॉलिसी कड़ा है? वह पॉलिसी कहाँ पे है? सर्वेयर कौन है उसका? कौन सा पॉलिसी नंबर बताओ, कौन सा है, कौन सी फसल का बीमा है? अगर कितने 10% फसल बच गई, 90% नुकसान में चलेगी तो कितना बीमा मिलेगा? 100 की 100 बर्बाद होगी तो कितना मिलेगा? कौन बताओ ये बात? बैंक के अंदर जावा, आने वाला बीमा हो गया, चलो यहाँ से बाहर निकलो, गो आउट, ये मतलब चक्कर क्या है? हमारे को बिल्कुल भिखारी बना के छोड़ना चाहोगे? प्रधानमंत्री बनाया था शिवजी भगवान को, नहीं हो, जो मतलब सारे फैसले लेगा, हम लेंगे फैसला, दो भाग कर लेगा जो करना है। अगर वो आपकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा तो इतना है, इसकी 2-4 साल की सरकार रह रही है, फिर कुर्सी से इसको गेट अवे कर देंगे हम। अरे हमको गुमराह किया गया है, हमने तकरीबन 90 डेज से ये संघर्ष चल रहा है, 2 महीने से पंजाब में और 1 महीना यहाँ हो गया, 31 डेज। अगर हम गुमराह हो चुके हैं तो पीएम का या कोई होम मिनिस्टर का या कोई खेतीबाड़ी मंत्री का नुमाइंदा आके यहाँ हमें समझाए ना और हमारी बात सुने। टेबल के ऊपर जो हमारे किसान लीडरों ने दलीलें दी हैं, सभी ने, एक का भी जवाब नहीं, ना तोमर के पास है, ना अमित शाह के पास है, ना मोदी के पास टाइम है। मोदी जी हमारे 41 जवान जहाँ शहीद हो गए, हमारे ब्राह, हमारे बुजुर्ग, हमारी यहाँ बहना, एक उनके लिए शब्द नहीं बोला। पाकिस्तान के पीएम की, एक्स पीएम की माँ, जो भ्रष्टाचार के अंडर जाके जलावत नहीं बोलता है लंदन में, उनकी माँ, माता गुजर गई, चढ़ाई कर गई, शेक्सपियर, हमारा प्रधानमंत्री उनके लिए कंडोलेंस लेटर लिखता है, ठीक है। जब इन्होंने चुनाव जीतना था, अमित शाह बोलते थे कि पहली गोली पाकिस्तान चलाएगा, आखिरी गोली हम चलाएंगे। जब भी इनसे कोई बात पूछता है, सिर्फ ये हमने नारे लगा के लोगों को, हिंदुस्तान को बेवकूफ बना के गद्दियों में बैठ सक जाते हैं। 70 साल से हम ये देख रहे हैं, 70 साल से हम ये देख, ये सिर्फ लॉलीपॉप देते हैं बच्चों को, लोगों को कुर्सी पर बैठ जाते हैं, 5 साल इनको किसी की याद नहीं है। एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियां, दे आर ऑल सेम इन दिस, ओके सारे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।